Hey guys, what's up? My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. The fragrance of the day is Terre d'Hermès. Well, Hermès एक लंदन बेस्ड फैशन हाउस है. वो बहुत ही शानदार फ्रेगनेंसेस भी बनाते हैं. उनमें से एक जो बहुत ही रेयर डिस्कस किया गया अब तक पूरे यूट्यूब चैनल पे या इंडिया में, क्योंकि बहुत ही यूनिक फ्रेगनेंस है. तो आई थिंक मैंने सोचा था कि अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं एक परफ्यूम ज़रूर लूँगा अपने लिए और इसकी डिटेल रिव्यू करूँगा. सो फाइनली द डे इज़ हियर एंड टुडे फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस Terre d'Hermès. इस फ्रेगनेंस के बारे में आज से 2 साल पहले मैंने रिव्यू सुना था वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूब ब्लॉगर इन द परफ्यूम इंडस्ट्री जॉय अमीन भाई फ्रॉम बांग्लादेश. जॉय अमीन भाई, थैंक यू सो मच. दैट वीडियो इंस्पायर्ड मी टू ब्रिंग दिस परफ्यूम. यू कैन सी जस्ट द बॉटल, हाउ सेक्सी, हाउ गॉर्जियस लुक्स लाइक. ये बॉटल अपने आप में एक यूनिक चीज़ है. अगर मैं कहूँ ये क्या रिजेंबल करता है तो ये रिजेंबल करता है एक अपर रिच क्लास हाउस ऑफ फैशन. चलिए सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं इस बॉटल के बारे में. आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर Terre d'Hermès लिखा है यहाँ पे, ठीक है. ओके, सबसे ज्यादा यूनिक बात जो मुझे इस परफ्यूम की लगती है दैट इज द कैप. ये कैप कोई रिमूवेबल कैप नहीं है. यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट द कैप एंड इट कम्स डाउन. दिस इज द क्लास, दिस इज द फैशन काइंड ऑफ थिंग इन विच इन द बॉटल. तो जैसे मैं ट्विस्ट करूंगा ना, सी मुझे ये पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि अभी तक किसी भी परफ्यूम में मैंने ऐसा नहीं देखा था कि आप जस्ट ट्विस्ट करो और उसके जो कैप है वो नीचे की तरफ आ जाएगी. यू कैन स्प्रे द परफ्यूम एंड यू कैन जस्ट गो ऑन. यू हैव टू टेक आउट द कैप, आपको फिर परफ्यूम स्प्रे करना पड़ता है. तो थोड़ी एक डिटेलिंग काइंड ऑफ थिंग रहती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, खोलना लगाना फिर वापस उसका पैक करना. बट ये बहुत ही शानदार लगा मुझे, ट्विस्टिंग. ठीक है, प्रेजेंटेशन पार्ट की बात कर रहे हैं हम. ऊपर आप देख सकते हो हैवी मेटल काइंड ऑफ स्टील प्लेट है. ठीक है, सबसे शानदार बात क्योंकि ये हर्म्स प्रेजेंट करता है, हर्म्स एच से स्टार्ट होता है, तो इसके बॉटल में एच का वो पेटेंट लोगो मार्क दिया हुआ है. कहाँ पे, ये देखिए, दिस काइंड ऑफ एच. और अगर आप ध्यान से देखोगे इस जूस का कलर हल्का सा माइल्ड ऑरेंज है, सी, ताकि आपको एच क्लियर दिखेगा. ऑरेंज हर्म्स का एक पेटेंट कलर है. इस जूस का कलर भी हल्का सा माइल्ड ऑरेंज है. तो प्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ तो दिस इज लाइक सुपर्ब, सुपर्ब, नो वर्ड्स फॉर द प्रेजेंटेशन. बॉटल बहुत ही क्लास है, एक अपील देती है ये बॉटल अपने आप में. अब हम बात करते हैं जूस के बारे में क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज परफ्यूम है. तो इसे रोल डाउन करते हैं और एक स्प्रे लेते हैं. सबसे अच्छी बात, जैसे आप स्प्रे करोगे जिस पोर्शन में वो परफ्यूम आउट होता है, जिस तरीके से बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से परफ्यूम आउट होता है, फाउंटेन स्प्रे नहीं है क्योंकि मुझे फाउंटेन स्प्रे पर्टिकुलरली पसंद नहीं है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है. तो बहुत ही क्लीन तरीके से परफ्यूम आउट होता है. हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि ये हर्म्स एच से स्टार्ट होता है, इसका सिग्नेचर कलर ऑरेंज है. अब इसके प्रोडक्ट्स पे जो ब्रांडिंग जो कलर है वो भी ऑरेंज है, जूस का कलर भी ऑरेंज है, एंड फाइनली इसकी खुशबू, इट्स एन ऑरेंज बेस्ड सेंट. वाह, जैसे आप खुशबू लेते हो आपको इंस्टेंटली ऑरेंज जो जो संतरा उसकी जो खुशबू होती है इंस्टेंटली मिलेगी. हर फ्रेगनेंस में सिट्रस का यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर फ्रेगनेंस सिट्रस है तो उसकी लिंगरिंग बहुत ही बढ़िया रहती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करती है और हवा में बहुत अच्छे से घुल जाती है. तो ऑरेंज इज़ अ कैटेगरी ऑफ सिट्रस. तो ऑरेंज की खुशबू के साथ साथ आपको इंस्टेंटली वेटिवर की खुशबू मिलती है, रूह, जिसे रूह खस कहते हैं, जिसे बहुत ही शानदार टेक्सचर है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया गया उस खुशबू को.
बस 5-7 मिनट में आपको एक वुडी फ्रेग्रेंस भी आने लगती है। तो आपको तीन चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ऑरेंज, वेटिवर, वुड, ये तीन नोट्स बिल्कुल क्लियर है। मैं इसके टॉप नोट, मिड नोट, बेस नोट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आज ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि एक जनरल इंसान अगर इस परफ्यूम को यूज़ करता है तो उसे क्या खुशबू मिलती है। तो जैसे मैंने बता दिया, ये एक मैं कह सकता हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, जो बहुत माउंटेन्स ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जो बहुत ही एम्बिशियस हैं, उनका एक उन लोगों के लिए जिनके लिए एक टारगेट सब कुछ बहुत मैटर रखता है, तो उन लोगों के लिए परफ्यूम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्योंकि जो टारगेट बेस्ड लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ही क्यों। सबसे पहली बात, ये फ्रेग्रेंस आम जनरल पब्लिक को शायद पसंद ना आए कि बड़ा वियर्ड है, क्योंकि लोगों को गुची, अरमानी एंड डियोर, प्राडा, इनके शैनल फ्रेग्रेंसेस यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दैट इज़ अ मास अपीलिंग परफ्यूम। ये ब्रांड जो परफ्यूम बनाते हैं, डिज़ाइनर हाउसेज जो मैंने अभी नाम बताया, इनके फ्रेग्रेंसेस में एक मास अपील अट्रैक्शन रहता है। हर्म्स के फ्रेग्रेंसेस आउट ऑफ द बॉक्स वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई ये यूज़ करे उसे पसंद है, नहीं। तो मैं ये क्लियरली बता दूँ, ये परफ्यूम एक आउट ऑफ द बॉक्स परफ्यूम है। इसे यूज़ करने के लिए, इसकी अप्रिसिएशन के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको नोट्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली मत जाइए, टेक्निकली नहीं कि वो नोट और ये नोट, नहीं, जस्ट आपको ये सूट तब करेगी अगर आपने बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनर हाउस के परफ्यूम यूज़ किए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपको आपको शायद ये लगे कि यार ये क्या है। तो इसके लिए आपको ट्रेंड नोट्स चाहिए, एक पर्सनैलिटी चाहिए इस परफ्यूम के कैरी करने के लिए। मैं क्लियरली बता दूँ, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स पर इस परफ्यूम को वेयर करना इज़ जस्ट वेस्ट। अगर आप सूट वेयर कर रहे हैं, अगर आप ब्लेजर वेयर कर रहे हैं, अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, ये उनके लिए ये फ्रेग्रेंस अपील करता है, लाउडली स्क्रीम करता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो एंट्री लेवल बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एटलीस्ट 30+ लोगों को ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद आएगा। एंड 30+ जो एक एज है जहाँ पर आप मैच्योरिटी लेवल को अच्छे से अचीव कर लेते हैं, वहीं पर इस परफ्यूम का मज़ा है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो नोट्स है वेटिवर की बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही डेंस है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये बहुत वियर्ड महकता है, बट जो वर्ड है वियर्ड वो यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स परफ्यूम जो जनरल लोगों को पसंद ना है, दैट इज़ कॉल्ड वियर्ड। एक आम भाषा में उसे वियर्ड कहेंगे, बट वियर्ड नहीं है, ये एक मैच्योर सेंट है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है 10 लोगों के सामने। दिस स्टैंड्स आउट ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांड, यू नो, हर्म्स। वेटिवर का यूज़ बहुत शानदार, ऑरेंज का यूज़ बहुत ही बैलेंस तरीके से किया गया है। तो नोट्स की हम लोगों ने बहुत अच्छे डिस्कशन कर ली है। मैं बताता हूँ प्रोजेक्शन, इंडियन वेदर के हिसाब से अगर आप 4 स्प्रे लेते हो, ओनली 4, दो यहाँ, एक फ्रंट में और एक रेस्ट जस्ट रब कर लो, इट इज़ मोर देन अनफ। प्रोजेक्शन इज़ लाइक अ बीस्ट। नॉर्मली 6 आवर्स तो कहीं भी नहीं जाता है, 6 to 7 आवर्स, एंड मैनी टाइम्स इवनिंग वेयर अगर आप करते हो तो 10 आवर्स+ ये परफॉर्म करते हैं। तो मैं ये कहूँगा समर जो है ना, समर डे टाइम आप इसे यूज़ करो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं, हमें रूह खस बहुत अच्छा लगता है, हल्की सी मीठी खुशबू। ये ऑरेंज के साथ रूह खस का जो बैलेंस किया गया है, दिस इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मिक्सचर, यू नो। तो मैं ये कहूँगा कि समर के तो बहुत ही शानदार है, बट मैं अपनी पर्सनल बात कहना चाहूँगा, इस फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद मुझे इमिडिएटली उन चीज़ों की याद आई, जैसे कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश में जब आप जब गीली जो मैदान में जो घास रहती है, ठीक है, ग्रीन ग्रास, उस टाइप की आपको एक हल्की हल्की विप्स आएगी, एक ओवरऑल परफ्यूम आगे पीछे, यू नो, समवेयर। तो आई कैन से कि बारिश का जो वेदर होता है, जो पहली बारिश होती है, वो जो खुशबू आती है ग्रीन प्लांट्स है, उससे काफ़ी रिजेम्बलिंग है ये। तो आई थिंक इन सब वजह से ही बींग सिट्रसी, इट स्टिल स्टैंड्स आउट ऑफ एनी सिट्रस परफ्यूम। नो बडी कैन बीट दिस परफ्यूम, आई एम टेलिंग यू, इट्स सच अ सच अ नाइस, सच अ क्लासी, सच अ आउटस्टैंडिंग परफ्यूम। तो तेरे दे हम प्रोजेक्शन की बात अगर करें, सुपर लाउड, 3 या 4 स्प्रे, एक्सीलेंट प्रोजेक्शन,
लिंगरिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आप कहीं से पास ऑन करो, अगर किसी बंदे को पता होगा इस परफ्यूम के बारे में इंस्टेंटली समझ जाएगा कि भाई कुछ डिफरेंट वेयर किया हुआ है। और मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, वाई इज इट आउट ऑफ द एनी परफ्यूम, क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई ना, वेटिवर, हल्की सी स्पाइसीनेस, एक अर्दी खुशबू है जैसे गीली मिट्टी की खुशबू, और ऑरेंज, ऑरेंज भी वैसा ऑरेंज नहीं जो बुल्गारी एक्वामारा में यूज़ किया गया है, वो बड़ा ही मास अपीलिंग है, दैट इज़ वेरी सूदिंग, दिस इज नॉट दैट सूदिंग, दिस इज समथिंग आउट, ऑलवेज आउट, ये हर फ्रेगरेंस के कंपेरेटिवली आउटस्टैंड करेगा। तो प्रोजेक्शन इज सुपर गुड, लिंगरिंग आउट ऑफ द बॉक्स, प्रेजेंटेशन सुपर, प्राइस की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, 200 ml अगर आप रिटेल मार्केट में जाते हो तो विल कॉस्ट अराउंड 7,500 to 8,000, लेकिन अगर आप टेस्टर लेने जाओगे तो मे बी यू कैन गेट बाई 6,500 or 7,000, तो 1,500 के डिफरेंस में आपको टेस्टर मिल जाएगा। देखिए मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप टेस्टर लीजिए या रिटेल लीजिए, बस आप जहाँ से भी लीजिए जेन्युइन प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि जब आपके पैसे लगते हैं तो वो गलत जगह पे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज जो फ्रेगरेंस मैं वियर करूँ शुड बी ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स, बट आप एकदम से अगर इसे बाइंग करोगे यू विल नॉट लव इट। सो स्टार्ट प्रिपेरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ विद सम बेसिक गुड परफ्यूम, सम सिट्रस वन, सम ऑरेंज वन, एंड देन वंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल द परफ्यूम्स देन यू जंप इनटू दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस परफ्यूम, यू नीड टू कैरी, यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ वियरिंग दिस परफ्यूम। So this was for today's video, that's it. This was all about Terre de Hermes or the toilet version, or I think aapko bahut maza aayega is perfume ko use karke, a must buy, must buy, at least agar aap bottle lena chahte hain take a decant and just try to understand the fragrance of this juice, you will fall in love, I can bet you. This was Rohit here on Sniff Health with the most elegant perfume Terre de Hermes. Take care and bye-bye.